हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में एंड आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हो एंड सेफ हो। तो आज मैं एक बहुत ही यमी, हाँ मैं तो बहुत ही यमी रेसिपीज़ बनाती हूँ, लेकिन आज का जो रेसिपी है वो एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक एक शाम का स्नैक्स है। एंड जो लोग चिकन नहीं खाते या फिश नहीं खाते उन लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं एक पनीर का रेसिपी बनाने जा रही हूँ ड्राई चिली पनीर। तो चलो आज का जो वीडियो है, हमारा जो रेसिपी है, तो वो शुरू करते हैं। एंड पूरा वीडियो देखना, तभी आपको पता चलेगा कि ये कैसा है। चिली पनीर बनाने के लिए एक पनीर पकौड़ा जो होता है वो हम बना लेंगे। तो सबसे पहले जो बैटर बनता है वो हम बना लेंगे। तो देखते हैं बैटर हम कैसे बनाते हैं। बैटर बनाने के लिए हम लेंगे मैदा, आप कॉर्नफ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ मैदा ही यूज़ कर रही हूँ। मैंने 3 चम्मच मैदा ले लिया है, 3 टेबलस्पून मैदा। अब हम लेंगे बेसन, बेसन से ये गाढ़ा होगा एंड टेस्ट भी थोड़ा अलग होगा। तो हम 2 टेबलस्पून भर के बेसन ले रहे हैं, इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालना। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा लाल मिर्च, ये तीखा के लिए, तीखा भी आप अपने हिसाब से ही डालना, आप जैसा तीखा खाना पसंद करते हो वैसा ही। अब हम इसमें थोड़ा ब्लैक पेपर डालेंगे, इससे टेस्ट अच्छा होगा। इसमें डालेंगे बहुत थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, बहुत थोड़ा सा, ऐसा बहुत ही थोड़ा सा, तो और क्रिस्पी बनेगा एंड टेस्टी बनेगा। अब इस ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे एक अंडा, एक पूरा अंडा हमने यहाँ पर डाल दिया है, मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, इसे ज़्यादा थिक भी नहीं होगा और ज़्यादा पतला भी नहीं होगा। तो पानी एक बार में ही आप डाल देना, नहीं डालना एक बार में ना, नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना, तो आपको पता चलेगा कि कितना डालना है या नहीं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई सॉलिड पीस यहाँ पर ना रहे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। आप इसे जितना अच्छे से मिक्स कर लेंगे बैटर उतना अच्छा बनेगा। तो हमने यहाँ पर एक कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तो जो पनीर है, ये हमारा जो पनीर है, यहाँ पर मैंने जो बैटर है वो ले लिया है। इसमें बैटर में अच्छे से इसको डुबाएंगे एंड पहले हम देख लेंगे कि तेल गरम हो चुका है या नहीं। तेल और थोड़ा सा गरम होगा। तो अब हम इस पनीर को इस बैटर में अच्छे से डिप करेंगे एंड एक अच्छा सा हाथ में थोड़ा सा लेके इसे हम डाल देंगे। इसके ऊपर ऊपर भी थोड़ा दे देना, तो ये अच्छे से कोट हो जाएगा। आप शुरू में फ्लेम को हाई फ्लेम में ही रखना, तो ये बाहर से क्रिस्पी हो जाएगा। अब हम इसे पलट लेंगे। इसे फ्राई करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि पनीर बहुत ही सॉफ्ट है एंड बहुत जल्द हो जाए। बहुत अच्छे से बीट किया था, मतलब जो बैटर है बहुत ही अच्छे से हमने मिक्स किया था, तो इसलिए ये इतना फूल गया है, आप देख सकते हैं। एंड इसमें जो हमने अंडा दिया था उसके वजह से भी ये इतना फूला है, एंड जो सोडा दिया था उसके वजह से भी। अगर आप चाहे तो अगर आपके घर में बेकिंग सोडा ना हो तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है।
एंड जो एग है, अगर कुछ लोग एग पसंद नहीं करते हैं तो आप एग भी स्किप कर सकते हो। हमारा जो फर्स्ट बैच है वो रेडी हो चुका है, हम इसे निकाल लेंगे अच्छे से। ये देखा, देखो आप बहुत ही ज्यादा गोल्डन ब्राउन हो चुका है ये, तो अब हम इसे निकालेंगे। का जो पनीर है वो भी हम जो पकोड़ा है वो रेडी कर लेंगे। और कढ़ाई ले ली है एंड उसमें थोड़ा सा तेल गरम करने के लिए दे दिया है एंड हमारे जो पकोड़े है वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं एंड मैं इसे साइड में रख देती हूँ। ये पकोड़े भी आप सर्व कर सकते हो एंड थोड़ा सा सॉस के साथ, बहुत ही मजा आ जाएगा एंड ये बहुत ही सॉफ्ट एंड एयरी। ये तेल गर्म हो चुका है एंड हम इसमें थोड़ा सा लहसुन बहुत ही बारीक चॉप करके रख दिए थे तो वो हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा। ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर लाएगा खाने में। थोड़ा सा सौते कर लेंगे, ये थोड़ा सा भून गया है एंड अब हम इसमें डाल देंगे क्यूब कटी हुई प्याज। मैंने इतने सारे पकोड़े के लिए एक बड़ा प्याज एंड एक छोटा प्याज लिया है, आप जैसे मर्जी ले सकते हो। आपका आपको अगर प्याज खाना पसंद हो तो ज्यादा लेना एंड नहीं पसंद हो तो कम लेना। नमक डाल देंगे तो ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा, तो हम इसमें नमक डाल देते हैं। आप इसको थोड़ी देर तक सौते करना कि ये थोड़ा सा नरम हो जाए, जो प्याज का जो कच्चापन है वो चला। ये सॉफ्ट हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे सोया सॉस। मैंने 2 टेबलस्पून सोया सॉस लिया है तो पूरा इसमें डाल देंगे। अब डाल देंगे टोमेटो सॉस, मैंने 2 टेबलस्पून टोमेटो सॉस लिया है। अब डाल देंगे 2 टेबलस्पून चिली सॉस, ये ग्रीन चिली सॉस है, आप चाहे तो रेड चिली सॉस भी डाल सकते हो। अब इसे अच्छे से थोड़ी देर तक भून हो चुका है जो प्याज है, और इससे ज्यादा हम इसको नहीं भूनेंगे। तो अब जो पकौड़े हैं हमने जो तैयार करके रख दिए थे ये हम इसमें डाल देंगे पूरा। अब अच्छे से पूरी तरह इसे मिलाएंगे ताकि ये जो सॉस है वो जो पकौड़े है उसके अच्छे से उसके ऊपर कोट हो जाए। हल्के हाथों से हिलाना वरना जो पकौड़े वो टूट सकते हैं। ये हो गया है तो अब हम इसे सर्व कर देंगे। तो हमारा जो ड्राई चिली पनीर है वो तैयार हो चुका है, आप देख लो ये बहुत ही टेस्टी दिख रहा है अभी से ही। तो अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, वो है टेस्ट। तो टेस्ट तो हम जरूर करेंगे, टेस्ट करने से पहले एक बात बोल देती हूँ कि प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, नीचे जो लाल वाला बटन है उसे झट से दबा दो एंड उसे बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक। जब भी मैं ऐसे यमी यमी टेस्टी टेस्टी रेसिपी लाऊं तो आप जल्द से जल्द देख सको एंड आपके पास झट से एक नोटिफिकेशन चला जाए, तो ज़रूर बेल आइकन को क्लिक कर देना। एंड अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, ये सब एकदम मुफ्त है तो क्यों कंजूसी करना, तो चलो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर देना। एंड चलो अब बारी आती है टेस्ट करने की, तो टेस्ट तो हम ज़रूर करेंगे। टेस्ट की बारी, टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, तो हम ये अब देखो ज़रा, मैं इसे दिखा देती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट है एंड एयरी है। आप देखो जरा ये कितना सॉफ्ट बना है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर एंड एक ऐड किया था। तो मैं इसे तोड़ के अंदर भी दिखा देती हूँ आप लोगों को, आप देखो
अंदर ये जो पनीर है वो आप देख सकते हो। एंड पनीर अभी तक बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है पनीर। ये एकदम ही कड़क नहीं हुआ है। तो चलो इसे अब टेस्ट करते हैं। अगर आप ये खा लो ना तो आपको चिकन की कमी महसूस ही नहीं होगी, महसूस ही नहीं होगी, मैं गारंटी देती हूँ। बहुत ज्यादा यम्मी बना है। एंड हम लोग बाहर जाकर ये ड्राई चिली चिकन ऑर्डर करते हैं, तो आप घर में ही ये ड्राई चिली पनीर बना के देखो, आप लोगों को बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा फील होगा एंड बहुत ही यम्मी होगा। आप इसे शाम को दे सकते हो एंड अगर घर पे कोई मेहमान आता है तो आप ये बना के दे सकते हो एंड बहुत ही यम्मी बनता है, बहुत ही डिलीशियस बनता है। तो आज का वीडियो बस इतना ही एंड आप ज़रूर एक लाइक कर देना, एक थम्स अप कर देना। अगर आप ऐसे और रेसिपी देखना चाहते हो तो, एंड अगर आप चाहो तो मुझे सजेशन दे सकते हो कि इसके बाद में कौन सा वीडियो बनाऊं या कौन सा रेसिपी बनाऊं। एंड तो चलो आज के लिए बाकी, घर पे खाना बनाओ, खाओ, एंजॉय करो एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।